रोजाना राशिफल देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। नमस्कार मित्रों, मित्रों जय माता दी। मित्रों कैसे हैं आप सब? आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं आपका अपना यूट्यूब चैनल में। मित्रों आज हम बात करने वाले हैं साप्ताहिक राशिफल 12 जुलाई से लेकर 18 जुलाई। यह राशिफल आपके चंद्र राशि पर आधारित है। जुलाई का यह सप्ताह आपके लिए कैसा रहने वाला है? 7 दिनों के अंदर आपके लिए क्या पॉजिटिव रहने वाला है? साथ ही स्वास्थ्य, करियर और धन की स्थिति कैसी रहने वाली है? चलिए हम पूरे विस्तार से जानेंगे, तो आप शुरू से अंत तक जरूर बने रहें। सिंह राशि वाले जातक, इस सप्ताह आप अत्यधिक भावनात्मक दिखाई देंगे, जिसके कारण आपको अपनी भावनाओं पर काबू रखने में दिक्कत महसूस हो सकती है। ऐसे में आपको ये अजीब रवैया लोगों को भ्रमित करेगा और इसलिए आप में झुंझुनाहट पैदा हो सकती है। आपके लिए बेहतर यही होगा कि अपनी भावनाओं को दूसरों के सामने प्रदर्शित करने से अभी बच के रहें और उदय राशि के स्वामी आय और लाभ के भाव से गोचर करेंगे, जिससे आपकी राशि के जातकों के लिए धन से जुड़े मामले इस सप्ताह आपको लाभकारी परिणाम प्रदान करेंगे। क्योंकि इस सप्ताह आपकी आर्थिक स्थिति तो बेहतर होगी ही, साथ ही कोई भी आर्थिक फैसला लेने के लिए भी यह समय सामान्य से काफ़ी उपयुक्त दिखाई देगा। हम आपको बताना चाहेंगे, इस सप्ताह आपका मन दान पुण्य के कार्यों में अधिक लगेगा, जिस कारण आप अपने परिवार के साथ पर किसी धार्मिक कार्यक्रम का आयोजन करने का फैसला भी ले सकती हैं। ऐसा धर्म के नवम भाव के स्वामी की दो ग्रहों के साथ युति के कारण हो सकती है, जिससे आपके साथ साथ परिवार के सदस्यों को भी अंदरूनी शांति की अनुभूति होगी और मन में सकारात्मक विचार उत्पन्न हो सकेंगे। पैसों के दशम भाव में स्थित राहु के चलते नौकरी पैसा लोगों को इस सप्ताह ऑफिस में इधर उधर की बातें करने से बचना चाहिए, अन्यथा आप खुद को कार्यस्थल की राजनीति में फंसा सकती हैं, जिससे आपकी छवि को नुकसान पहुंचेगा और कई छात्रों को इस सप्ताह शिक्षा की सामग्री में अपना बहुत सा धन खर्च करना होगा। ऐसे में धन की अहमियत को समझते हुए केवल वो वस्तु ही खरीदें जिनकी आपको आवश्यकता है और फिजूल की खर्च करने से आपको बचना चाहिए, ये आपके लिए अच्छा रहेगा। सिंह राशि जातकों के लिए अगर उपाय की बात करें तो प्रतिदिन सुबह आदित्य हृदय स्त्रोत का पाठ करें, ये आपके लिए अच्छा रहेगा। दोस्तों अगर इन सभी बातों से आप सहमत हैं तो वीडियो को अभी लाइक कर दें, साथ ही कमेंट बॉक्स में सच्चे मन से ओम सूर्याय नमः अवश्य लिख दें। धन्यवाद। आपका पूरा सप्ताह शुभ रहे।